हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है, तो सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम कल जाने वाले हैं, पर क्या है कि अभी तक मैंने कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी आज मेरे को पूरा दिन इतना भागना पड़ा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई हूँ, पर मैं जो सामान लेके आई हूँ थोड़ी बहुत ले जाने के लिए, वो सब चीज़ों में आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं गई थी पार्लर, वो सब थोड़ा बहुत हमारा लड़कियों का जो काम। बाद मैं गई R&B में, थोड़ी सी मेरे को चीज लेनी थी, तो वहां पर भी जाके आ गई। तो क्या चीज लेके आई मैं बाहर जाके। The next day. गाइज हम लोग सब लोग रेडी हो गए निकलने के लिए सोमनाथ जाने के लिए। देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मेरे सामान वगैरह भी है। तो हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एंजॉय करने वाले। हम लोग निकल गए और रास्ते में इतने ज़्यादा ट्रैफिक मिला कि ओ माय गॉड। फिर ये सब लाइट वगैरह आई तो मैंने सोचा चलो इसका व्यू तो एंजॉय करते हैं, ट्रैफिक है तो फिर क्या करते हैं। अभी फिर भी हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे। और ये गांधीनगर का एयरपोर्ट, और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बनाए हुए इन लोगों ने। और एक बात है कि इसके ऊपर है ना होटल लीला पैलेस है और इसके नीचे एयरपोर्ट बना हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। और मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे घूमती हुई अपेक्षा। पहली बार पाछा बधाने साथे रहते, पहली बार आया कहता था ना हमारा पहली बार, मैं पहली बार। जो मैं आगे पेंटिंग आप लोगों को दिखा रही थी ना, वो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। सच बताऊँ तो हम रियल में देखते हैं ना इतनी अच्छी पेंटिंग बने हुई। और साइड में जो ये भैया खड़े हुए और इस साइड में एक बहन खड़ी हुई, वो सब के ऊपर तो ओरिजिनल चीज़ें लगाई हुई थी। और अभी मैं आपको है ना अंदर जाके भी इसके नज़ारे दिखाती हूँ इस रेलवे स्टेशन के। तो चलो हम अंदर जाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा कि जिसके ऊपर छत है, वरना तो खुला ही होता है। देखो इसके ऊपर छत है। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग वगैरह भी लगाई हुई थी अहमदाबाद की। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ के सोमनाथ टेम्पल भी प्रिंट किया हुआ है। तो हम लोग जा ही रहे हैं सोमनाथ टेम्पल। तो ये देखो सोमनाथ टेम्पल भी यहाँ पे। और आप लोगों ने देखा ना कि ऊपर लीला पैलेस है, इसकी वजह से इसके ऊपर छत है, वरना कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गाड़ी चलती है वहाँ पे छत होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। तो आप लोग देख लो, मैं आपको कुछ अलग चीज़ नई चीज़ दिखा रही हूँ कि छत वाला रेलवे स्टेशन। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा छत वाला रेलवे स्टेशन? अगर देखा है तो कमेंट करना, और गांधीनगर से देख रहे हो फिर भी कमेंट करना। वैसे अभी चलते चलते हमारी फ्रेंड भी आ गई है ऐसा मेरे को लग रहा है। और हाँ एक चीज़ दिखाने रह गई थी तो मैं आ गई फिर से आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखो हम हर एक एयरपोर्ट पर देखते हैं कि ऊपर से जाने के लिए पुल होता है, यहाँ पर यहाँ नीचे से जाने के लिए है। हम जैसे पुल पे जाते हैं ना वैसे अंडरग्राउंड जाके हमें सामने की तरफ निकलने के लिए अंडरग्राउंड बना है, क्योंकि ऊपर तो लीला पैलेस है और बीच में हमारा रेलवे स्टेशन। तो जाने के लिए कहाँ से पुल वगैरह बनाए तो अंडर से बनाए। और देखो हमारी ट्रेन सोमनाथ एक्सप्रेस आ गई है, हम लोगों को जाना था सोमनाथ। तो चलो अब हम चलते हैं ट्रेन में, इसके बाद मिलते वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। देखो अंदर ट्रेन में पहुँचते ही भूख लगे, तो हम लोग भूख लग गई खाने के लिए, और रात पड़ हो गई है। और हम लोग सब लोग साथ मिलके एंजॉय करने के लिए बैठ गए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है गेम वगैरह खेलने का, क्योंकि टाइम पास भी करना बनता है। और बहुत सारे लोग हम लोग साथ में गए थे, तो सबके साथ में एंजॉय करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गेम वगैरह खेल के बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और हमको तो नहीं सोना था, पर जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों को सोना था, तो आवाज आ रही थी। तो फिर हमने लेट नाइट में रख दिया सब गेम वगैरह और फिर हम लोग सब सोने चले गए। और
देखिए यहाँ पे स्टेशन भी आ रहा है और अभी हमारे पहुँचने का भी टाइम होते जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे सब लोग उठ भी रहे। और मैंने सोचा चलो आपको थोड़े बहुत बाहर के नज़ारे पे दिखा दो उठ के, तो मैं उठ गई आप लोगों को थोड़े नज़ारे दिखाने के लिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है नदी में, टाइम लैप्स भी दिया है आप लोग वो भी इन्जॉय करें। तो सबसे पहले ये देख लो, देखो ट्रेन के अंदर से बाहर थोड़ा सा, क्योंकि भाई जो बीच में खड़ा था ना इसका हैंड वगैरह आ रहा था इसलिए। ये टाइम लैप्स वगैरह में कितना प्यारा लग रहा है, सच बताऊँ तो माय गॉड, में तो ऐसा लग रहा है कि मैं देखती ही रह जाऊँ। इतनी ग्रीनरी, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, ओ माय गॉड। और ट्रेन इतनी जल्दी से भग रही थी इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लर जैसा दिख रहा है, वरना आपको आप अगर रियल में देख रहे होते हो तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन करने के लिए, सोमनाथ दादा का, भोलानाथ दादा का और महादेव का, क्योंकि अभी शाम महीना चल रहा है तो भगवान भोलानाथ का दर्शन करने का भी बनता है ना गाइस। चलो आप लोग भी मेरे साथ चलो अंदर, तो फोन लेके नहीं जाने देते, पर जितना हो सके लेके मैं आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवा दूंगी भोलानाथ दादा का। ये हम पहुंच गए होटल पे और ये हमारी होटल, और मैं दिखाती हूँ स्वीट छोटू सा हमारा रूम है, और हमने वहाँ जाके थोड़ा बहुत फ्रेश होके नहा धो के फिर हम लोग चलने लगेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि हम आए हैं दर्शन करने के लिए तो वो काम सबसे पहले करने का बनता है। तो चलो अभी हम करते हैं नहाना धोना, फिर करेंगे दर्शन और मिलेंगे।